हाँ वहाँ यहाँ से शटर बंद मिल रहा है, दो चार जमींदार कर ले आए यहाँ कुछ कर नहीं सकते। तब 20-30 साइजा शटर उठा दे है, श्याम लग नहर चढ़ा भाई साहब फिर शटर डाउन कर दे है। त्रेड पार्टी पड़ी है, सीमेंट ले आवा अल्ट्राटेक साल की निशानी कर लेंगे और के ले जा भाई साहब। सवेरे आए नीमा मुरा जमा सरसा पानी सारा छोड़ रखे, पूरा दिन शुरू करांगे जब तक इसका समस्या समाधान नहीं होना, पानी नहीं मिलता चाहे कोई मंत्री है या वो कह दे उस मंत्री का आदेश है, मैं उस मंत्री का जाए जाए। जय SDO की चलने नहीं दे रहे, एससी साहब इसमें राजनीति कर रहा है, किसी ने 70 में, किसी में 80 ने, किसी ने 90,000 रुपये में ठेका खेत ले रखा है, राय सूटा के पैसे भर लिए, कम से कम करोड़ों रुपए हमारे कलाए थे हल्के से जाली है। एससी साहब जान बुझ के करा रहा है, इलेक्शन का टाइम है ताकि किसान और प्रशासन आमी श्यामी होए और गोलियां चले। महकमे वाले कह रहे थे कि हमने पानी आगे भेजना है, पानी आगे हम नहीं जाने देंगे जब तक हमारा पानी नहीं पूरा होएगा। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। बड़ा मामला गांव चंदाना से सामने आया है। दरअसल तस्वीरों में जो माइनर आप देख रहे हैं यह है धमतान माइनर, जो कि दर्जन भर गाँव को अपनी सेवाएं देती है। दर्जन भर गाँव के किसान इस माइनर के जरिए अपनी फसलों में पानी देते हैं। चूंकि इस बार कुदरत की मार किसानों पर पड़ी है, समय पर बारिश ना होने के कारण इस तरह के संसाधनों पर किसान निर्भर करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, फिलहाल दर्जनों गांव के किसान जो है गांव चंदाना में इकट्ठा हो गए हैं और इस माइनर को खुलवा दिया है। प्रशासन के आला अधिकारी आते हैं और इसका पानी जो है सिरसा ब्रांच में छोड़ देते हैं, ग्रामीणों का यह आरोप है। और जिस नाते कई गाँव के ग्रामीण जो है इकट्ठा होकर चंदाना में इस वक्त धरना भी ये शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देखिए, ये सिरसा ब्रांच की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसका पानी आगे हिसार और फिर सिरसा जाता है। चूंकि ग्रामीण यह बता रहे हैं कि इस नहर में या इस ब्रांच में पानी छोड़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जबकि यहां के लोकल किसानों को ज्यादा जरूरत है। प्रशासन के आला अधिकारी आते हैं और धमतान माइनर का पानी बंद कर देते हैं, जिस पर दर्जनों गांव के किसान निर्भर करते हैं। चूंकि इस वक्त कुदरत की मार किसानों पर पड़ी है, समय पर बारिश ना होने की वजह से किसान जो है इस तरह की ब्रांच या कहें कि इस तरह की नहरों पर निर्भर करते हैं, इसके पानी पर निर्भर करते हैं। फसलें लगातार सूखती जा रही हैं और किसानों का आरोप है कि ऐसे मौके पर ना उनकी सरकार सुन रही है, ना ही लोकल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन आता है और बार बार धमतान साहिब का पानी बंद कर देता है और सिरसा ब्रांच में पानी शुरू कर देता है। चूँकि फिलहाल किसान बता रहे हैं कि राय शूटों के जरिए, जिसको देसी भाषा में कहा जाता है, कि हर प्रत्येक मौके के साथ किसान ने 300 रुपये सरकार को जमा करवाए हैं, प्रशासन को जमा करवाए हैं, लेकिन फिर भी उनको पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा। तो सीधा सीधा आरोप प्रशासन के आला अधिकारियों और सरकार पर किसान लगा रहे हैं और एक तरीके से स्थायी धरने की शुरुआत भी किसानों ने कर दी है। इस मौके पर किसानों का क्या कुछ कहना है सुनिए। मेरा नाम है राजेश कुमार राणा, कलाई से, और जो हमारा धमतान माइनर SP पाइलर ये सारे नहीं हमारे माइनर हैं जी, जिन पर तो हमारी मोरिया में पानी जावे, बरसाती धुतुआ में पानी जावे। लेकिन जो इससे आगे जो नहर है ना सरसा ब्रांच, इसमें पानी जा सके जो हमारा पानी पूरा करने के बाद इससे आगे जावेगा तो फल्ड का पानी जावेगा एक किस्म का बरसात का। लेकिन हमारे पे सरकार ने राय सूटों की फीस ले ली और बुरा लिया, लेकिन मारे तो पानी पहुंच रहा नहीं और इंसार पानी देने लग रहे हैं, जिससे किसान पूरे ही 20-25 गांवों के किसान हैं बिल्कुल परेशान है। फसल बिल्कुल सूख चुकी है, कोई भी पानी खेत में किसी के नहीं। रात को पानी आ गया सुबह बंद, सुबह पानी आ गया रात को बंद, किसी का कोई टाइम नहीं। किसी का एक जने का आज वार है तो उसका अगले हफ्ते में वार आवेगा, और रात ने अगला पानी बांधने के लिए आया आके पानी देखे पानी है ही नहीं। जमींदार बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, मरण कटन खातर तैयार हैं, जब तक हमारा हक का पानी हमने नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से पानी ले बिना बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे यहाँ किसान मरो कटो सरकार प्रशासन जिसने भी जो करना है, जब तक हमारा पानी नहीं मिलेगा और आगे हम पानी नहीं जाने देंगे। महकमे वाले कह रहे थे कि हमने पानी आगे भेजना है, पानी आगे हम नहीं जाने देंगे जब तक हमारा पानी नहीं पूरा होएगा। अगर इसमें एक्शन साहब SC साहब जो भी इस पानी को डिस्प्यूट करते हैं, ऊपर से पानी मंगा के कितने भी पानी आगे भेज ले, हमारा पानी पूरा करने के बाद कितना भेज दो उससे हमने कोई इतराज नहीं। जब तक हमारा पानी सरसा पाइलर धमतान माइनर जितने माइनर है हमारे माइनरों का पानी पूरा करके आगे नीचे पानी जब दे सके, उससे पहले हम ना तो पानी जाने देंगे ना हम अपना हक छोड़ देंगे। हमारा हक है, हम अपना हक ले काटेंगे। भाई मेरा नाम है जस्सू, मैं हूँ नरवलगढ़ से अली है। अच्छा।
मेरा 55 किले खेती करूँ भाई। हाँ दिक्कत भाई साहब पानी की बहुत आ रही है। 60 किलिया पर हमने बरसेंती लगवाया भी लाख रुपये वर्क है, तो देख लियो भाई साहब दो बार आए, दो ही बार मर गए। रात ने आता खा पी के मिली भगती पैसे लेकर उस साइड पानी पलट दे सार साइड कैथड़ का पानी आई सार ले कर जाने लग रहे भाई साहब। बहुत बुरा हाल कर रखा किसान का सरकार ने। महकमे वाले कोई जवाब नहीं दे रहे भाई, वो कह रहे ऊपर से फोन आ रहे हैं। महकमे वाले जवाब दे रहे हैं कि ऊपर से फोन आ रहे हैं। तो बताओ रात को शटर बंद कर दिया, पानी तोड़ो नावा देखा, कोई बच्चा डूब गया होगा या मैं नहर टूट गई होगी, आवा यहाँ से शटर बंद मिला है, दो चार जमींदार कल आए यहाँ कुछ कर नहीं सकते। तो सुबह आवा सुबह निकलिया पीला एज अ 20-30 एज आ शटर उठा दिया है, शाम लग नहर चढ़ा भाई साहब फिर शटर डाउन कर दे है, ऐसा करके भाई साहब 15 दिन से यही दिक्कत आ रही है भाई साहब। अब बताओ तीन तीन बार ऐसे ही निकल लिए हैं, क्या करें भाई साहब, पैसे सारे बरवाह रखे हैं, आला न्यारा लेवा मोगियों के पीछे न्यारे लेने लग रहे, त्रेड पाटी पड़ी है, सीमेंट ले आवा अल्ट्राटेक साल की निशानी कर लेंगे और के ले आ जा भाई साहब। सरकार धक्का कर रही है, मारा पानी हमने पूरा दे दो इस माइनर का, मां हमने कोई मतलब नहीं है, पीछा तो और पानी ले आओ ले जो, ये तो भाई साहब कलासी है, ये फल्ट का पानी निकालने खातर बना रखी है कलासी। सवेरे आए नीमा मुरा जमा सरसा पानी सारा छोड़ रखे, अगर इसके शटर डाउन कर रखे, एस डी आए बोले तो पाछा तो पानी कम हो रहा, फिर 10 मिनट लोग खट्टे हुए, जब सारे शटर ठह दिए, जब पानी कटता पूरा हो गया एकदम यू, इसमें तो पानी छोड़ने का भी नहीं, फल्ट का हो तो पानी इसमें नड़कन लगता मोरी लगती, इसमें तो 300 रुपये किलर आए सूट बरह रखे है, इसमें तो पानी पूरा करके रखो, इसमें तो मत बोलो कौन छोड़ने का, ये भी क्या था बंद कर दिए उसके शटर डाउन, ये भी इसका पानी करता पूरा हो गया, इस बात का जवाब देने दे, परली साइड चले गए, चाहे तो बात का जवाब दो भाई, कारण ये है भाई, यू बात हुई है, पूरा देना शुरू करांगे जब तक इसका समस्या समाधान नहीं होना, पानी नहीं मिलता, चाहे है जी हो चाहे उरा कोई मंत्री है जी कोई भी है जी हो, जब तक हमारा टेंट दाना चालू रहेगा, आज जो शुरू कर दिया उरा टेंट लाया जाए, रोटी पानी सारा सिस्टम बनाएगा पूरा ठीक है, और जब तक SC एक्शन नहीं आवाएंगे नूर है, जब तक इसका समाधान नहीं होगा उसके साथ बातचीत करांगे, या वो कह दे उस मंत्री का आदेश है, मैं उस मंत्री का घर बग जाएंगे या मुख्यमंत्री का साहब नायब सैनिक बग जाएंगे चंडीगढ़ जाएंगे, यूर आया तो जाऊँगा आ करानेगा पानी समान भाई पानी कुक्कर जानने लग रहा है, वहाँ आओ तो उरा कमता मैं किसान किसानों का सामना हो बातचीत करने के लिए, किसानों की समस्या हल करो ठीक, वो गाड़ी छोड़ गया भाई जिया जी सब चेहरा उस टाइम मेरे साथ चल दिए नहीं चल दीजिए भाई आगे प्ले कर दे ठीक, उरा धरना चालू कर दिया हमने, टेंट ला देंगे, रोटी पानी सिस्टम सही है, और भाई उरा तो आमने सामना होगी, सरकार भी होगी आमने किसान भी आमने सामने, वह दोबारा फिर नौबत आएगी मन मना के देवे चल लेंगे। अरुण राणा बत्ता से हूँ जी मैं, इसमें JEE और SDO आए थे उनसे पूछा है, JEE SDO की चलने नहीं दे रहे, SC साहब इसमें राजनीति कर रहा है, वो कह रहे आगे पानी भेजना ही भेजना है, सभी गाँव के 20-22 गाँव के आदमी आए हुए हैं, सभी पूरे तंग हुए हैं क्योंकि पानी है ही नहीं, बरसात नहीं हुई, और किसी ने 70 में किसी में 80 ने किसी ने 90,000 रुपये में ठेका खेत ले रखा है, सभी के सभी दुखी हैं, राय सूटा के पैसे भर लिए कम से कम करोड़ों रुपए हमारे कलाई थल के से जा लिए, इस जो जितने भी माइनर से राय सूटों में अभी तक कोई पानी नहीं आया है और पैसे भरवा लिए, SC साहब जानबूझ के करा रहा है, इलेक्शन का टाइम है ताकि किसान और प्रशासन आमी श्यामी होए और गोलियां चले, बस ये करा रहे और कुछ नहीं, SC साहब यही करा रहे हैं ना चाहते हैं, हमें किसी का नहीं पता जी किसका प्रशासन का किस पे जोरदार है क्या नहीं है, लेकिन SC करा रहे हैं, SC दे रहे हैं पानी आगे। एक सरपंच ईश्वर शर्मा बत्ता मान जी मारा चाहिए फालतू पानी ले जो मान उसका कोई एतराज नहीं, मारा चाहिए मान बस पानी चलो तो कुछ भी अपना मान मारा पूरा पानी मिलना चाहिए जी, बस बस मैं 70 किले खेती करूँ जी, ठेके वगैरह का 80,000 रुपये किला और सुखी पड़ी सारी जीरी